हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज मैं बात करूंगा एलआईसी हाउसिंग के बारे में। एलआईसी हाउसिंग में हमें ईएमआई मोरेटोरियम का जो भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो आरबीआई ने जो कहा है कि 3 महीने का, मतलब कि मार्च, अप्रैल और मई, मतलब 1 मार्च और 31 मई तक हमें जो भी ईएमआई है वो हमें भरना नहीं होगा। तो इसको हमें एलआईसी हाउसिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे जाके हमें रजिस्टर करना होगा, तभी ये ऑप्शन हमें मिल पाएगा और हमें हमारी जो मार्च, अप्रैल और मई की ईएमआई नहीं भरनी होगी। अब ये बात ये रहा कि आपका मार्च का है ईएमआई कट गया होगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका ईएमआई जो है मार्च का कट चुका है तो कोई बात नहीं, आपको अप्रैल और मई का ईएमआई भरना नहीं होगा अगर आप इसमें ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं इसको। ऑनलाइन हमें कैसे रजिस्टर करना है, ये ऑप्शन हमें कैसे चुनना है, तो गूगल के सर्च बार में जाएंगे, यहाँ एलआईसी हाउसिंग लिखेंगे, इसको कर देंगे सर्च, इस तरह से खुलेगा ये। अब जाएंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो LIC हाउसिंग.com जो फाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है ये इस तरह से खुल जाता है। खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ न्यूज़ एंड इवेंट्स दिख रहे हैं, यहीं पे वो ऑप्शन आपको दिखेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये ऊपर में ही होगा जहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन आएगा हमें उस पर क्लिक करना है, जैसे भी यहाँ देख पा रहे हैं PEMI पब्लिक EMI रिलीफ अंडर COVID-19, यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 पे साइलेंट फीचर्स ऑन PEMI रिलीफ अंडर COVID-19 मेजर्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका साइलेंट जो भी फीचर्स है हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा उसके सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 1 मार्च से 31 मई तक का हमें पेमेंट नहीं करना होगा, जैसे LIC हाउसिंग.com इस पर जाकर रजिस्टर करना होगा, या तो फिर जो है concern@LIC हाउसिंग.com जो ईमेल है इस पर हम मेल करके हम बता देंगे तो हमको ये जो है ईएमआई मोरेटोरियम का बेनिफिट मिल जाएगा। और नीचे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ये जो है टेम्प्रोरी रिलीफ है, तो मतलब कि हमें ये जो है कोई छूट नहीं मिला है, जस्ट हमें जो है जो भी मार्च, अप्रैल और मई इसका जो है लोन अमाउंट जो है सीधे सीधे जून में पेमेंट करना है, जून में कट जाएगा। तो इसके लिए हमें, अगर हमें चाहिए तभी ये ऑप्शन चुनना है, अगर हमको ये ईएमआई का मोरेटोरियम का जो बेनिफिट है हमें नहीं चाहिए तो हमें इसके वेबसाइट में जाके कुछ नहीं करना है और ना ही हमें मेल करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कटता है रेगुलर हर महीने वैसे ही कट जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं बैक, इसको आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं यहाँ, हम देखेंगे दूसरे नंबर पे लिखा है प्लीज़ क्लिक हियर टू गिव कंसेंट, प्लीज़ क्लिक हियर, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हियर, में क्लिक कर देते हैं। दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2020, उससे पहले मतलब 3 दिन पहले कर देना है, मतलब कि 10 तारीख को कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 तारीख को आपको करना होगा ऑनलाइन। तो यह जैसे वहाँ प्लीज़ क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ लोन नंबर लिखेंगे और यहाँ नीचे कैप्चा फिल कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आपका लोन जो अकाउंट है वो खुल जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे, आपको वहाँ से ऑप्शन चुन लेना होगा। क्योंकि मेरे पास कोई भी होम लोन नहीं चल रहा है LIC हाउसिंग से, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका लोन नंबर होगा वहाँ डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, वहाँ आप इजीली ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।